रेप कांड में फरार चल रहे मुख्य आरोपी मौलाना अनवारुल हक ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। दरअसल मौलाना पर झाड़फूंक के बहाने महिला के साथ बलात्कार का आरोप था, जिसकी आपत्तिजनक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद मौलाना पर 4 मुकदमे दर्ज किए गए थे और फरार चल रहे मौलाना पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। मौलाना की गिरफ्तारी न होने के कारण कोर्ट के आदेश पर समान की कुर्की भी कर दी गई थी। कई महीनों से फरार चल रहे अब मौलाना ने अपर सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। हेलो, चलो बैठ। पूरा भरोसा है, सरेंडर कर दिया है हमने, इंशाल्लाह में उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। नहीं, बलात्कार का आरोप लगाया है तो उस पर क्या कहना है? सर गलत है, बेबुनियाद इल्जाम है। उसमें अदालत सबसे बड़ा हमारे यहाँ वो है, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये अनवारुल हक महिला थाने से एक बलात्कार का अभियोग पंजीकृत था, जिसमें वांछित थे। इसके अतिरिक्त इनके 3-4 अभियोग और पंजीकृत थे। इस अभियोग में इनके विरुद्ध कुर्की होकर के चार्जशीट लगाई जा चुकी थी, जो माननीय न्यायालय में दाखिल थी। आज इन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और इनको न्यायिक परीक्षा में लेकर के अभी जिला कारागार में दाखिल किया।